अब धीरे धीरे चीज़ें मॉडर्न होती जा रही हैं, इंसान हो या मशीन, क्योंकि मॉडर्न चीज़ें ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए महिंद्रा ने अपने बोलेरो को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बना दिया है ताकि सभी टाइप के कस्टमर इस गाड़ी को खरीद सकें। इसीलिए आज हम इस वीडियो में महिंद्रा बोलेरो के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे किसको खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए, और क्या यह गाड़ी पुरानी वाली बोलेरो से बेहतर है या नहीं। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अगर आपको महिंद्रा बोलेरो नियो के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानने चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए मेरी तरफ से। चलिए सबसे पहला पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इस गाड़ी का है वो है लुक्स। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो ये गाड़ी काफ़ी हद तक SUV से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी अगर इस गाड़ी के लुक की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, एग्रेसिव और मैस्कुलर हो गई है। इसके ग्रिल की वजह से काफ़ी हद तक ये ओल्ड बोलेरो की तरह लगती है, दिया गया है मतलब देखने में, लेकिन फिर भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। इस गाड़ी में मिलने वाले LED DRL जो हैं इस गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं और इसके रोड प्रेजेंस को भी काफ़ी अच्छा बढ़ा देते हैं। अगर ओल्ड बोलेरो से तुलना किया जाए तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश हो गई है। ओल्ड बोलेरो के मुकाबले इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चलिए पहले उस दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है इस गाड़ी का वो है इंटीरियर और स्पेस। अगर इंटीरियर की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको इटालियन डिज़ाइन के इंटीरियर देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और आई कैचिंग भी लगते हैं, जो इस गाड़ी को काफ़ी इस गाड़ी में बैठने वाले लोगों के वो फील गुड फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। आपको लगता ही नहीं है कि आप बोलेरो में बैठे हैं। और अगर स्पेस की मैं बात करूँ तो फर्स्ट रो में और सेकंड रो में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, सीट्स काफ़ी बढ़िया है। फर्स्ट रो में दोनों साइड आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा होता है, सीट को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है। और थर्ड रो की अगर बात करूँ तो ये केवल बूट के लिए आप इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, और कभी इमरजेंसी में ही इस पर दो लोगों को आप बैठा सकते हैं। अगर ओल्ड बोलेरो से मैं तुलना करूँ इसके इंटीरियर स्पेस की तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन है। इससे बेहतर ओल्ड बोलेरो के मुकाबले ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इंटीरियर स्पेस के मामले में। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात कर ले। जो अगला पॉइंट है वो है इंजन। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है जो 100 PS की पावर देता है 260 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। ये काफ़ी बेहतरीन इंजन हो गया है, ये काफ़ी अच्छा पावर प्रोवाइड करता है। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बात करें तो सफिशियंट पावर आपको दे देता है। वैसे भी महिंद्रा का डीजल इंजन काफ़ी ज़्यादा दमदार होता है, और अगर ओल्ड बोलेरो से तुलना करें तो ये इंजन फार बेटर इंजन है, क्योंकि ओल्ड बोलेरो में आपको पावर काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। इसमें आपको पावर काफ़ी बेहतर कर दिया गया जिससे आप हर सरफेस पे, हर रोड पे, हर ऑफ रोडिंग वाली जगह पे भी इस गाड़ी को काफ़ी अच्छे तरीके से और स्मूथ ड्राइविंग में आगे गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस इंजन को। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है हैंडलिंग। इस गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, महिंद्रा ने इसकी हैंडलिंग को काफ़ी अच्छा कर दिया है। जो भी इस गाड़ी को चलाता है काफ़ी मज़ा आता है, और ड्राइवर को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करती है इसकी हैंडलिंग। स्टीयरिंग फीडबैक भी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। अगर ओल्ड बोलेरो से तुलना किया जाए तो इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो गया है, ज़बरदस्त हो गई है। हर रोड पे चलाने में आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है इसकी हैंडलिंग, और स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल गया है। इसलिए ओल्ड बोलेरो के मुकाबले ये बोलेरो हैंडलिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है सेफ्टी फीचर्स एंड फीचर्स। पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 7 इंच के टच स्क्रीन मिल जाते हैं, 6 स्पीकर मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, वॉइस कंट्रोल, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, जैसे तमाम फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और अगर ओल्ड बोलेरो से तुलना किया जाए तो ओल्ड बोलेरो के मुकाबले ये इसमें कुछ ज़्यादा ही आपको फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि ओल्ड बोलेरो में आपको उतने अच्छे फीचर्स आपको देखने को भी नहीं मिलते हैं। अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, फॉलो मी हेडलैम्प, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, क्रैश सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, क्रूज कंट्रोल, जैसे तमाम फीचर्स आपको मिल गए हैं, सेफ्टी फीचर्स मिल गए हैं जो आप इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं पुरानी वाली बोलेरो के मुकाबले। जबकि पुरानी वाली बोलेरो के
की मैं बात करूँ तो उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स तो नहीं ही मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पुराने वाले बुलेरो के मुकाबले इसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है ताकि इस टाइप के कस्टमर भी इस गाड़ी को अट्रैक्ट हो सकें। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि बुलेरो नियो पुरानी वाली बुलेरो से कितनी ज़्यादा बेहतर है और आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कि ये बुलेरो कहाँ पे स्टैंड करती है जा करके। अगर ये गाड़ी आपकी ज़रूरतों पे खड़ी उतरती है और ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है, आप जा करके इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए मेरी तरफ से चलिए दोस्तों धन्यवाद।